कर दिया मौपे को पलटा मार है आइए इसी सीन पर खुश होकर के आगे अच्छे कुमार हमारे भैया जमराना की तरफ से 10 रुपए दे रहे हैं हम दिल बाबा हमेशा सुबह रखे जाने वाले और कर दिया मोहब्बे को पलटा हार है आप क्यों रो रहे हैं और बात पहले न मानी हमारी कुछ सुनना नहीं चाहता मुझे मेरा देवर चाहिए तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया है और बेटे के साथ साथ देवर भी मिले और मुझे मेरी बहू भी चाहिए रानी मछला जब से सुबहों में आई हो कितने लड़ाई हमने लड़ी वो भी बेइबत उतल की बदौलत जब तक हमारा भाई हमारे साथ था हमने कभी अपने हाथ में तलवार नहीं उठाई मैं किस बल पे उस बल बुखारे जाओ मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उस दिन तो समझा रही थी मैं उस दिन तो मेरी एक भी बात मानी थी जो तुम्हारे जी में आया वही किया मैं तुम्हें बारह समझा रही थी कि मेरा देवर निर्दोष है लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी अगर यही बात है जाना नहीं चाहते हो तो ये लो चूड़ी पहन कर इस रात महल में बैठो मैं जा रही हूँ अपनी बहू लेकर आऊंगी रानी मछला है से ताने मत मारो जाओ राज महलों में ऐसा आराम करो और आने वाली अपनी बहू रानी का इंतजार करो ठीक है चलो बाबा की तैयारी करो आए भाभी राजकुमार इंद्र की बारात में नहीं चलोगे पूछते हो क्या खबर है तो आप चाहे नाराज हो जाओ हम ना जाब वही दिन हम हो आप पत्ता समझाएं उधर निर्दोष है छोटे तो निर्दोष लेकिन आप कोई बात माने नहीं हम ना जाब जी का जाप हो जाए हमारा जान फालतू नहीं है या भगवान आज मैं इतना पापी हो गया
किया हमारा नाम दे रूपन बारी मेरे हरी साड़ी पर काम करता था। चल बाबू जी कहें तो हम जा रहे हैं जाइए ना बाबू तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं। चलो बेटा एमा सब आइटम भर लान भैया सब सामान ले आए। हाँ हाँ एमा एक सूट तुम्हारे कपड़ा है और एक सूट दत्तू कपड़ा है तदबीर सूट हमारे कपड़ा है। तदबीर सूट क्या है हम भाई बार बार बदलवा सहारा कमर था सामान नीचे उतार सामान हमारा उतार नीचे है। नीचे उम्र की सारी सामान रख यहाँ पर हमका ने कुछ कम माल ले जा सब ले जा हमार ना सारा मुंह बना रहा है। चलो बेटा इंदर अब क्या होगा बेटा भैया मलखान नाराज होकर तो चले गए हमारे कहने सुन नहीं जाएंगे वो तुम्हारे चाचा हैं जाकर के अपने चाचा को मनाओ और उनसे कहो कि अगर हमारी बारात में शामिल नहीं होते हो तो मैं शादी नहीं करूंगा हो सकता तुम्हारे कहने से आए। ठीक है बेटा जी जाओ क्या बात हम लोग बड़ा साथ बड़ा बुखाने के लिए जा रहे थे रास्ते में सराह पर बारात लूट ली गई है। आप चलिए हम आपको लेवाने के लिए आए। ठीक है इंदर मैं देखता हूं कि इसके भुजाओं में कितना दम है। चौके मेरे बेटे इंदर की बारात को लूट लिया अब क्या होगा तो आ गया तुम लोग बहुत आदर हो तुम लोग है आएगा तो सुनो क्या कहना चाहते हो। हमसे जंग करना पड़ेगा अगर मुझसे जंग में जीत गया तुम सब तो रात लेकर आगे रख सकते हो ना पीछे चले जाओ। अगर हम जीत गए तो माल भी मेरा तुमको वापस करना पड़ेगा। मंजूर है ठीक है तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ
चाहते हो तो हमारा रास्ता छोड़ दो और मुझे बारात लेकर फलक उखाड़ा जाने दो। क्या लड़ने की ताकत नहीं है तुम्हें? क्या नहीं लड़ने की ताकत? तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। तैयार हो जाओ, सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लिखी है तेरे भाई। ये कैसा डर मार रहे? सारा उल्टा हो गया। अरे उसकी मौत लिखी है तेरे हाथ में। सारा उल्टा हो गया है। मेरे दाहिने हाथ तूने बाले पन से खिलाया है, पिलाया है, खिला पिला के मुझे इतना बड़ा कर दिया है। आज दुश्मन से पाला पड़ा है, मुझको विजयी बना देना। आ मेरे बाएं हाथ तूने बाले पन से हगाया है। भगवान इस चमार से मलखान भैया ऐसे हार गए, शिकर दिखा गए तो मैं कब पार पाने वाला हूं? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मालूम होता है कि हमको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा, तभी मेरे प्रश्न बचेंगे। ना किसी तरह से के शरीर पीर परवा से छोड़ के प्रतिज्ञा और हनुमान से जंग मैदान में अंकित। भाई साहब जिस मान लो वही उदले लहुरवा है भाई तेरा, आंख खोलो जरा इसको पहचान। Thank you.
लगैया हमे पंच में काली माता लगैया हमे मेरा भैया नहीं तेरा भैया हूँ मैं मेरा भैया और अब कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर भैया अब कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर इस मुसीबत में करके भैया ना कहीं जा हमें आज पीछे छोड़ कर ना कहीं जा हमें आज से छोड़ कर मान जा मान जा पान भैया का हुक्म दीना था चला तो ओ तब राई चराना के भैया तुम्हें मैं रहूंगा नहीं आपके साथ में वो मुबारक तखताज भैया कहीं पाल लो ठाल ठाल मेरी कहीं मान लो मेरी हालत पे एक बार तो गौर कर मेरी हालत अब कहीं जाओ क्या कर हमें छोड़ कर अब कहीं जाओ क्या कर हमें छोड़ कर मरु कर तलवार भैया उदल उच्च मुख और परिहार के कहने से उसकी बातों में आकर हमने क्या जुर्म किया हो सके भाई के दिल में कुछ चले भाई की हो तो भाई तुम्हारा ये तो मैं कह रहा था आपसे कि आप कितने निर्दयी हो गए सख्त जरा भी आपने नहीं सोचा कि हम अपने भाई को किस सुर में चला के हाथ सब रहे थे सब दिया और आज ठीक है भैया आप हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें बाप का भागी मत बनाए ये ऊपर वाले की मर्जी थी जो हमारे और तुम्हारे बीच में हुआ भैया जाकर खेमे में बैठो इंद्र कुंवर की पारा लेकर पलक बुखारे हम जाएंगे और देखते हैं कौन योद्धा था हमसे जंग करने के लिए ये आपके भाई का वादा है कि आपके पुत्र मधु लेकर आएंगे हम रुपल जाओ भैया को ले जाओ खीमे में इन्हें आराम की जरूरत है अपने हाथों में तलवार उठा अपने हाथों को मजबूत करो क्योंकि हम छत्रियों में पहले जंग होती है उसके बाद ब्याह है चलो बड़क बुखार है बारात लेकर हमारे साथ चलिए Thank you.
दिया है। क्या मेरा बेटा बन चुका है? हाँ, और अगर तुम भलाई चाहते हो तो अपनी बेटी का कन्यादान करो, हमारे भतीजे इंदर के साथ में उसकी सगाई करो। ठीक है, मेरे बेटे को रिहा कर दो, मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ। रूपन, ऐसे विश्वास कैसे करूं? हमें त्रिवाचा दीजिए। मैं त्रिवाचा देता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश का कि मैं डोला जरूर विदा करूंगा। ठीक है, ब्याह की तैयारी कीजिए, जाओ अंधे मत को छोड़ दो। महाराज, हम लोग जाकर खेलने में रुकते हैं, अपनी लड़की को बुलवाइए और सारी तैयारी कीजिए। ठीक है, ब्याह करवाइए। ठीक है, ठीक है।